तो इस तरह से लड़की उर्मिला अपने सासरे में आ जाती है और सासरे में आने के बाद में क्या देखती है कि यहाँ तो माहौल कुछ दूसरा ही है, क्योंकि उसके सास ससुर के बिल्कुल भी दान दहेज का सौदा निगाह में नहीं आया। और जब कुछ दिन रहते सहते हो जाते हैं तो उसने ताने देने लागे कि मारे घर की सह मारे कर्माणी कुछ भी ना लाई। लड़की की आंखों से टप टप आंसू बहते हैं और कवि क्या वर्णन करता है बता इस दिशा का। ए सास ससुर के दान का सौदा यो नहीं नंगा में आया, और लगे तने देड़ बहु ने हे मालक तरी माया। सास ससुर के दान का सौदा नहीं नंगा में आया, और लगे तने मारते हैं सब लाके कि तेरे पिता ने हमारे साथ में धोखा किया। पहले तो उसने सारी शर्त स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में वो मुकर गया। नंबर एक पर कैसे क्या वर्णन किया भला। देखे तेरे बाप ने के सोची वो वादा करे तेरी जा, वादा करे तेरी जा, और सूखी बेटी जा कहने के ए उसका फर्ज उतारेगा, वो हमारे साथ में धोखा कर गया, हमारे साथ में धोखा कर गया, पूरा झूठा लोभ देखा। सास ससुर के दान का सौदा नहीं नंगा में की सोची ये बात तुम्हारी ते सारी मन मरेगी, सारी मन मरेगी, भीतर ले मत कहो जान जान पंद में फेगी, जान पंद में फेगी, मारी सब सुनाई नू कहगी, मारी सब सुनाई नू कहगी, छोरा प्यारा। सास ससुर के दान का सौदा नहीं नंगा में आया, और लगे तने देड़ बहु ने हे मालक तेरी माया। इसी तरह से दिन काटने लगी बेचारी, रोटी तक मिलनी बंद होगी, बासी कुसी टुकड़ा ठाक अपना पेट भरती है और सासू ननंद और देवर जड़ का लेकर जा कुछ ना कुछ कह के तो अपने कैसे कड़वे घूट पीती है। तीसरे नंबर पे क्या बता भला। काटन लागी दिन बेचारी, काटन लागी दिन बेचारी, बसी को सिखा के, बसी को सिखा के, अरे ससु नंद लकड़ जा जड़ के
बोला के तीर चला के, बोला के तीर चला के, फिर नहीं बहुत बगास का के, नहीं बहुत बगास का के, देखे का मन पड़वाया सास ससुर के दान का छोटा नहीं नंगा मैं आया एरा कुछ दिन बीते पही कुछ दिन बीते तेरे देश के छावण लगी उदासी छावण लगी उदासी आजाद सिंह कांडे आराधी लकड़िया सत्यानासी लकड़िया सत्यानासी जो तुम क्या करती चंद्रमासी तुम क्या करती चंद्रमासी वो फीकी पड़ गई